हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 11 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो इसमें आपको बैक कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, क्वाड कैमरा सेटअप है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, 4 कैमरे इसको आपको बैक में मिलते हैं एंड फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। एंड यहाँ पर रेडमी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेसर जो होते हैं रेडमी के फ़ोन के, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि इस फ़ोन में भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिलता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये फ़ोन जिस टाइम लॉन्च हुआ था ना गाइस, अपने सेगमेंट में सबसे हिट फ़ोन था। कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको स्लो मोशन मिल जाता है, टाइप सी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है। ओवरऑल मुझे इसका प्रोसेसर काफ़ी पसंद आया। हैंगिंग इशू लैगिंग इशू इसमें भी नहीं आता, बस रेडमी के फ़ोनों में थोड़ा सा हीट का इशू आता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो उसके प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड वाले होते हैं फ़ोन के मुताबिक। जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन अभी भी एंड्रॉयड 11 पे आएगा इस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें आपको। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।